हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपने गंदे पड़े पायल को मिनटों में कैसे साफ कर सकते हैं। ये पायल बहुत पुरानी है और बहुत काला पड़ गया है। इसके लिए मैंने लिया है एल्युमिनियम फाइल और एक छोटा सा भगोना जिसके अंदर मैंने एल्युमिनियम फाइल के टुकड़े को डाल दिया। इसके बाद मैंने इसमें पायल को डाल दिया। पायल को डालने के बाद मैंने इसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा और एक चम्मच डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया। इसके बाद मैंने इसमें डाला एक गिलास पानी। पानी डालने के बाद मैंने इसे गैस के ऊपर रखा और लगभग इसे 5 मिनट तक धीमी आंच पर खौलने दिया। 5 मिनट तक पानी में पायल को खौलाने के बाद पानी ठंडा होने के बाद मैंने पायल को पानी से बाहर निकाल लिया। आप यहां देख सकते हैं कि बिना ब्रश लगाए मेरा पायल कितना साफ हो गया है। इसके बाद इसमें जो भी बचा खुचा कालापन आपको दिखाई दे रहा है उसे मैं पेस्ट लगाकर साफ कर लूंगी। पायल में पेस्ट लगाने के बाद मैंने उसी पानी से ब्रश से पायल को अच्छी तरह से साफ कर लिया। लगभग 5 मिनट तक ब्रश से अच्छी तरह रगड़ने के बाद मैंने इसे नॉर्मल पानी से धो लिया। अब तो सोनार के यहाँ जाने का झंझट ही खत्म हो गया। मैं तो इसी मेथड से घर पे ही अपने पायल को साफ कर लेती हूँ। आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं कि मेरा पायल कितना बढ़िया चमक गया है। अगर आप घर पर 5-10 मिनट का टाइम देंगे तो घर पे ही आपके पायल बहुत सुंदर चमक जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।